आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज आर सेंटीमीटर, इट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द होल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स इज। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमें आर सेंटीमीटर दिया, ठीक है, उसको हमने दो इक्वल पार्ट में बना दिया। तो हमें बताने की जो होल सरफेस एरिया होगा जो दोनों पार्ट का वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें दिया है रेडियस ऑफ स्फीयर, तो जो हमें सबसे पहले जो स्फीयर दिया उसका रेडियस हमें आर सेंटीमीटर दिया, ठीक है। अगर हम स्फीयर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो जो एक हमारे पास बनेगा वो हमारे पास हेमीस्फीयर बनेगा। तो हमें पता है कि हमारे पास एरिया होता है हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि जो इक्वल पार्ट में करके एक जो पार्ट बनेगा वो हेमीस्फीयर बनेगा, तो उसका हमारे पास एरिया हमें पता होता है वो होता है हमारे पास 3πr². ऐसे ऐसे हमारे पास दो पार्ट बनेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा दोनों हेमिस्फीयर को मिला के, हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो 2 times हो जाएगा, 2 × 3πr², तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6πr². यही हमें निकालना था कि हमारे पास एक स्फीयर है उसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट हमारे पास जो बनेगा वो हेमिस्फीयर बनेगा, तो उसका हमें एरिया पता है टोटल सरफेस एरिया वो होगा 3πr², उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें दो पार्ट बनाए तो दोनों इक्वल एरिया के हो गए, तो हमारे पास टोटल सर्फेस एरिया आ जाएगा 6πr². थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।